नए साल में असम से भी जो बड़ी खुशखबरी आई है उसके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। बिल्कुल, करीब 4.5 दशक से घुसपैठ से परेशान असम को अब आखिरकार घुसपैठियों से आजादी मिलने जा रही है। वाकई असम सरकार ने घुसपैठियों को निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी कर दिया है, यह खबर। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जिसका नाम नहीं असम में उसका कोई काम नहीं, इसी मकसद के साथ असम सरकार के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला मसौदा जारी हुआ। रजिस्टर में सिर्फ कानूनी रूप से वैध नागरिकों के ही नाम हैं। पहले ड्राफ्ट में असम में रहने वाले 3,29,00,000 लोगों में से सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को ही नागरिक माना गया। रात जारी रजिस्टर में सिर्फ कानूनी रूप से वैध नागरिकों के ही नाम है। असम के 3.29 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.9 करोड़ को नागरिक माना गया है। जिनका नाम रजिस्टर में शामिल नहीं है उनकी जांच होगी। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा। जिन लोगों के पास 25 मार्च 1971 से पहले के भारतीय नागरिकता से जुड़े सरकारी दस्तावेज हैं उनका नाम रजिस्टर में है। अगर इसमें किसी का नाम नहीं भी रहा उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है उनके पक्ष में सरकार हमेशा है और रहेगा। सरकार बाकी के 1,39,00,000 लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। तनाव की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से यहाँ घुसपैठ की समस्या रोकी जाएगी और जो लोग अवैध बांग्लादेशी साबित होंगे उनको कैसे भेजा जाएगा, एक बड़ा सवाल है। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहचान की प्रक्रिया शुरू की थी। तो असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। वैसे जनगणना के हिसाब से अगर समझा जाए तो साल 1971 में असम में मुस्लिम आबादी, समझना जरूरी है कि 1971 में सिर्फ 4% थी, 4 यानी कि 100 लोगों में 4 लोग मुस्लिम थे। जबकि साल 2011 की आप जनगणना के मुताबिक असम में 35% मुस्लिम आबादी है, यानी हर 100 नागरिक में 35 मुसलमान, यानी कि 4 से 35 पहुंच गए। असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों में 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां मुस्लिम आबादी, आपको जानकर हैरानी होगी, 40 से 60% तक है। ओके, और साल 1961 की बात कीजिए, वहां पर मुसलमानों की आबादी असम में सिर्फ 17,00,000 हुआ करती थी। लेकिन 50 साल बाद यानी कि 2011 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 1,68,00,000 तक पहुंच चुकी है। वैसे एक बात ये भी बताना जरूरी है, साल 2005 में असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने दावा किया था कि हर रोज 6,000 बांग्लादेशी नागरिक जो है असम में घुसते हैं। और ये सच होता नजर आ रहा है क्योंकि देश हित में घुसपैठ को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घुसपैठिए न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि विकास रोजगार के लिहाज से भी किसी मुल्क के लिए खतरनाक। ऐसे में देश हित में जरूरी है कि घुसपैठियों को असम और इस मुल्क से बाहर कर दिया जाए।